करनाल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद संजय भाटिया जी हमारे साथ में हैं। सर, अब की बार 75 पार का नारा, और आपने भी 6.5 लाख के आसपास करीब वोटों से जीत हासिल की थी। धन्यवाद। और समाज के कारण, और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से निष्पक्षता से और इतना अच्छा शासन देश को माननीय मोदी जी ने दिया, उन्हीं के कारण ही हम समझते हैं कि सभी सांसद बहुत अच्छे मार्जिन के साथ जीते। मगर सर, अब विधानसभा चुनाव में 75 पार का इस बार नारा दिया गया है, क्या वो बुनियाद है, क्या वो चीज़ें जिसकी बुनियाद पर यह नारा दिया? इसलिए लोकसभा की जो 10 की 10 सीटें हमने जीती हैं, उसमें 79 सीटें अगर विधानसभा पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 79 सीटों पर हमने जीत हासिल की है। केंद्र ने हमें 75 पार का लक्ष्य दिया है, और पिछली बार जिस प्रकार से मोदी जी ने केंद्र में बड़ा अच्छा नेतृत्व दिया था, उसी प्रकार से हमारे प्रदेश में माननीय मनोहर लाल जी ने इतनी ईमानदार और पारदर्शी सरकार दी है। आज मोदी जी भी और केंद्र के अंदर हैं, और प्रदेश में दोबारा मनोहर जी आने की। हरियाणा में जिस तरीके से बीजेपी का विस्तार हो रहा है, 58% वोट लोकसभा में हासिल किया आप लोगों ने, इस बार विपक्ष ऐसा लग रहा है साफ हो जाएगा? हाँ, विपक्ष ने जो पिछले उनके साल के कार्यकाल रहे, उनके शासन के समय के कार्यकाल रहा, उस समय के उनके की हुई नीतियों को लोगों ने पसंद नहीं किया, पिछली बार उनको हटाया, और इस बार जो हमारी सरकार ने बड़े अच्छे फैसले, जनप्रिय फैसले किए, बड़ी बिना पर्ची और खर्ची के नौकरी दी, उस प्रकार से मुख्यमंत्री जी की जो प्रतिष्ठा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर साख जो बढ़ी है, उसके कारण मैं समझता हूँ लोग इस लक्ष्य को हमारे को पूरा करेंगे। विपक्ष में टूट फूट है, कांग्रेस में खासतौर पर दो धड़ा है, इन लोग भी टूटी फूटी हुई है इस वक्त, कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जिस तरीके से जांच चल रही है, ये सब चीज़ें बीजेपी को हेल्प करेगी? जांच तो उनकी बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन वो अभी मैं समझता हूँ कि पूर्णता की ओर है वो जांच, जिसमें अभी मैंने आज ही पढ़ा कि उनकी प्रॉपर्टी भी अटैच की है ईडी ने, जिस तरह के काम उन्होंने किए हैं उनके सामने कानून अपना काम करेगा, और भारतीय जनता पार्टी बहुत सहज भाव से और ईमानदारी से लोगों के बीच में जा रही है, और विपक्ष में कई अच्छे लोग हैं, उनको भी ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसा शासन नहीं होना चाहिए, आज उनका लगाव भारतीय जनता पार्टी के साथ विपक्ष के नेताओं का भी बढ़ा है। बीते 5 वर्षों में जनता खुश है पूरे तौर पर हरियाणा की? हाँ, मुझे लगता है बहुत खुश है कि जिस प्रकार से उनको ये लगा कि राजनीति के मायने बदले गए, ईमानदारी से राजनीति हो सकती है। आज से पहले हरियाणा की जनता ये कल्पना नहीं करती थी, जितने भी पहले सत्ता में लोग रहे, बाद में कई हजार करोड़ के वो मालिक बन गए, ये सबके सामने हैं, सबके ऊपर आय से अधिक के केसेस चल रहे हैं, कुछ अंदर हैं, कुछ जाने की तैयारी में है, तो मैं समझता हूँ कि लोगों को ये पसंद आई बात कि ऐसा ही मुख्यमंत्री और ऐसी ही सरकार होनी चाहिए। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो करनाल से सांसद संजय भाटिया जी, कहना है कि 75 पार हमारा लक्ष्य है, लेकिन हमें नतीजे के तौर पर कुछ और सीटें भी आएंगी, क्योंकि बीते 5 वर्षों में मनोहर लाल की सरकार से जनता बेहद खुश है। रोहतक से कैमरा पर्सन राघव के साथ जबार खान, R9 TV।